सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी अनदर वीडियो। तो आज मैं आपके लिए कुछ मेन टिप्स लेके आया हूँ। और उससे पहले, आप मेरा नाम जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो मेरा नाम है योगेश। तो मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जो मैंने खुद मतलब ऑब्जर्व की है और जानी है कि किस तरह से आप अपनी एक पोर्ट्रेट स्केच या फिर आप ड्राइंग कर लीजिए, तो आप कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसके अंदर कैसे आप बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट टिप ये है कि आप प्रैक्टिस करना मत छोड़िए। अगर आप किसी चीज़ को मतलब अपनी पूरा उसके ऊपर जोर लगा कर कर रहे हैं, आप उसको अच्छा मतलब अच्छा दिखाना चाहते हैं, अगर जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनको आप उसको अच्छा दिखाना चाहते हैं, तो बी प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स, आप रोज़ प्रैक्टिस कीजिए कि जैसे अभी मैं ड्राइंग्स की रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ। और मतलब कैसी भी बनो, मतलब गलत बने और फेस भी गलत बने, कुछ भी गलत बने, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको एक गलती करोगे, फिर उसके बाद वो गलती आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, मतलब उस गलती में आपकी सुधार आएगा। और प्रैक्टिस से यही फायदा होता है। सेकेंड टिप, आप मतलब रोज जो मतलब आउटलाइनिंग्स होती है वो आप मतलब अच्छी तरह से बनाने की कोशिश कीजिए। और मतलब आउटलाइनिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टू शो स्केच वेरी नाइस, बिकॉज एक स्केच होता है वो आउटलाइनिंग के ऊपर ही डिपेंड होता है। क्योंकि अगर आप आउटलाइनिंग अच्छी नहीं करोगे तो बाद में अगर आप इस उस आउटलाइनिंग किए हुए पोर्ट्रेट या स्केच के अंदर आप शेडिंग करते हो, तो जो आप शेडिंग की हुई जो पोर्शन मतलब पोर्ट्रेट आता है बनकर, तो बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ, अगर हम ये जो आउटलाइंस थे उनको सही तरीके से हम बनाते तो अपनी जो पोर्ट्रेट था वो अच्छा बनता। फ्रेंड्स, थर्ड टिप ये है कि आप अपनी जो भी रेफरेंस फ़ोटो है उसके अंदर लाइटनिंग्स मतलब शेडो लाइटनिंग्स होती है, लाइट, डार्क, मीडियम, तो उनको अच्छी तरह से ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद पेंसिल से उसके अंदर शेड कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप किसी पोर्ट्रेट या फिर किसी स्केच तैयार कर रहे हैं तो उसकी जो रेफरेंस फोटो है उसको हमेशा अच्छी तरह ऑब्जर्व करके, एक एक मतलब जैसे आईज, नोज, माउथ, जो भी चीज़ें आप बना रहे हैं तो उनको अच्छी तरह से ऑब्जर्व कीजिए और उसके बाद क्रिएट कीजिए। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप कैसे अच्छे ड्राइंग्स करते हैं। तो फ्रेंड्स, और भी मैं कुछ टिप्स देता हूँ आपको। और अगर आप ड्राइंग्स में अच्छी तरह से आपको ड्राइंग करनी है तो प्रैक्टिस तो रोज करना ही है, आउटलाइंस को भी ध्यान रखना है और ऑब्जर्व भी करना है, और उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आप पेंसिल कौन सी यूज़ करते हैं। वैसे तो आप पेंसिल कोई भी यूज़ कर सकते हैं, और चीप पेंसिल्स भी होती है, उससे भी बहुत अच्छी शेडिंग हो जाती है। अगर आप बिगिनर है तो चीप पेंसिल्स का यूज़ करके आप अपना पोर्ट्रेट बनाइए और धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए और आपकी ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और आप लाइनिंग्स प्रैक्टिस, जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, फोर्थ पॉइंट यही है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी लाइन प्रैक्टिस, किस तरह से आप लाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, आउटलाइन से भी पहले लाइन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। लाइन प्रैक्टिस करोगे तो आपका पोर्ट्रेट अच्छा निखर कर आएगा। और लाइन प्रैक्टिस मैंने आपको बता दी है, तो अगर आपको देखनी है तो उसके ऊपर जाके देख सकते हैं वीडियो पे। लाइन प्रैक्टिस क्या होती है फ्रेंड्स, हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस, शेप्स, डिफरेंट शेप्स, सर्कल, स्क्वायर, इनका आप रोज दोनों हाथों से या फिर जो भी आप जिस हाथ से भी बनाते हैं उस हाथ से मतलब रोज प्रैक्टिस कीजिए। तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी लाइंस भी परफेक्ट हो जाएगी, तो आपकी जो ड्राइंग स्किल्स है वो परफेक्ट हो जाएगी। और अगर आपको और भी कुछ ज़रूरी जानकारी चाहिए ड्राइंग के बारे में तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक फ्रेंड्स, बाय।